नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज के इस मिनी ब्लॉग में। और इस मिनी ब्लॉग में हम बात करेंगे दीपावली के बारे में। क्या कुछ खास रहा इस दीपावली में? तो सबसे पहले तो हमने जो है दिए जलाए, दिए के साथ साथ जो है कुछ रंगोली भी बनाए जो कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हमने एलेक्सा पे प्ले कर दिया लक्ष्मी जी और गणेश जी की आरती। ये आरती खत्म होने के बाद हम जो है पहुँच गए थे छत के ऊपर जायजा लेने के लिए कि हमारी मोमबत्तियाँ सही से जल रही है या नहीं जल रही है, दीप सही से जल रहे कि नहीं चल रहे। वहीं पे हमने देखा कि हमारी माता जी की तरफ से झाड़ू को चार्ज किया जा रहा है, बाद में ये मेरे पे भी चल सकता है इस वजह से। उसके बाद देखा सिलवट्टे के ऊपर भी रोशनी, उसके बाद हमने देखा कल के ऊपर भी रोशनी। तो कल के ऊपर हम रोशनी डालते डालते झाड़ू को ही याद कर रहे थे कि क्या कल अगर हमारा सही नहीं होगा तो ये झाड़ू हमारे लिए ही। उसके बाद हम जो है ढोल और नगारे के साथ जो है पटाखे जलाने लगे। पता नहीं लोग क्यों हैप्पी होली कह रहे थे, शायद लोगों ने गुलाल के रंगों को देख करके इसे होली समझ लिया। तो कुछ इसी तरीके से हमारा दीपों का त्यौहार दीपावली खत्म हुआ, श्री रामचंद्र जी की विजय हुई लंका पे और हमारे भगवान राम अयोध्या लौट आए। इसी प्रकार से हमारा ये दिवाली का त्यौहार समाप्त होता है। धन्यवाद।